हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अब आपको बताने वाले हैं कौन कौन से फोन्स हैं वो डिसकॉन्टिन्यू हो गए हैं। डिसकॉन्टिन्यू का मतलब क्या है, इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और 15 सीरीज आने के बाद कौन कौन से मॉडल्स का कितना कितना प्राइस वो डिक्रीज हुआ है और आगे कितना डिक्रीज होगा, बिग बिलियन डेज में कितना डिक्रीज होगा, हम आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं डिसकॉन्टिन्यू कौन कौन से फोन हुए हैं, डिसकॉन्टिन्यू का मतलब क्या है ये हम आपको पहले बता देते हैं, फिर बताएंगे कौन कौन से फोन डिसकॉन्टिन्यू हो गए हैं। डिसकॉन्टिन्यू का मतलब ये है कि जो ऑफिशियली तौर पर जो आईफोन है वो स्टोर पर या फिर ऑनलाइन साइट पर, एप्पल की ऑफिशियल साइट पर जो आईफोन वो सेल हो रहे थे वो अभी सेल नहीं होंगे, वो दूसरी वेबसाइट्स पे या फिर दूसरे स्टोर्स पर, ऑनलाइन अदर साइट्स पे आपको वो फोन्स मिल जाएंगे। कौन कौन से फोन्स हैं जो डिसेबल हुए हैं आईफोन की तरफ से, ऑफिशियली उन्होंने डिसेबल कर दिए हैं, डिसकॉन्टिन्यू कर दिए हैं। डिसकॉन्टिन्यू मतलब है वो ऑफिशियली तौर पर वो एप्पल वो अपने पुराने फोन हैं वो सेल नहीं करेगा, अदर साइट्स पे वो सेल करेगा, स्टोर पे सेल करेगा या फिर किसी शॉप पे सेल करेगा। ठीक है, कौन कौन से फोन हैं वो डिसेबल हुए हैं, डिसकॉन्टिन्यू हुए हैं, वो पहले आपको पता है कि आप आईफोन अभी 12 आप देख सकते हैं, आईफोन 12 है वो डिसकॉन्टिन्यू हो गया है, 13 हो गया, 13 मिनी, 14, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स है वो डिसकॉन्टिन्यू हो गए हैं ऑफिशियली तौर पर, वो अभी जो है एप्पल स्टोर में आपको वो सेल हुए नहीं दिखेंगे, अदर साइट्स पे आप वो फ़ोन है वो बाय कर सकते हैं, उनमें आप अपना इंश्योरेंस वगैरह बाकी आपको वारंटी वगैरह आपको पूरी वही मिलेगी और आपको कोई भी अच्छे प्राइस में आपको कोई भी पुराना आईफोन जो पुराने सीरीज़ है 12 सीरीज़ हो, 13 और 14 और कोई भी सीरीज़ हो आपको अच्छे दाम में मिल रहा है तो आपको वो ज़रूर बाय करना चाहिए। डिसकॉन्टिन्यू में ये एप्पल ने मतलब उनका जो प्रोडक्ट है कोई भी 11, 12, 13, 14 कोई भी सीरीज़ हो उनका वो मतलब शो तो करेगा बट उनका वो अपना ऑफिशियली तौर पर उसका प्राइस है वो शो नहीं करेगा। जो भी आपको अदर साइट्स पे आपको अमेजोन या फिर किसी भी और साइट्स पे आपको आईफोन्स की पुरानी सीरीज देखने को मिलेगी आपको वो पूरी सील पैक गारंटी के साथ आपको वो फोन है वो मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको कोई भी सीरीज 15 सीरीज एप्पल स्टोर में लेने जा रहे हो तो आपको कैशबैक मिल सकता है 8,000 रुपए का। कैसे मिलेगा, आपको लेना होगा अपना क्रेडिट कार्ड HDFC का मिलेनियम क्रेडिट कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए कि आपको स्टोर पे आप जा रहे हो तो आपको HDFC का कार्ड जरूर होना चाहिए कि आपको 8,000 रुपए तक आपको जरूर कैशबैक मिलेगा। और अमेजोन पर आप कोई भी अपनी नई सीरीज या फिर कोई वॉच या फिर कोई 15 सीरीज बाय करने जा रहे हो तो आपको अमेजोन पर HDFC की तरफ से आपको 5% का आपको यह कैशबैक मिलने वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं 14 सीरीज की। 14 सीरीज का जो प्राइस है वो 10,000 रुपये है वो ड्रॉप हो गया है। बाकी आप ऑफलाइन जो शॉप्स पे आप चेक कर सकते हैं उसका आपको कितना कितना प्राइस है वो हो गया है। बाकी न्यू प्राइस जो उन्होंने ऑफिशियली तौर पर बताते हैं बट उन्होंने यहाँ पे 14 का प्राइस है वो 10,000 रुपये ऑफिशियली तौर पर वो है डिक्रीज हो गया है। 12 की हम बात कर लेते हैं, पुराना आपको अभी जो शॉप्स पे आपको 30,000 से 35,000 रुपये का आपको बढ़िया आईफोन 12 देखने को मिल जाएगा। 14 की बात की जाए आपको 50,000 से 55,000 रुपये का आपको वो है मिल जाएगा। बाकी आपको बिग बिलियन डेज पर आपको उसकी जो MRP है काफी वो है डिक्रीज हो जाएगी। बाकी आप वहां पे बिग बिलियन डेज पे भी आप उसको बाय कर सकते हैं। बाकी अभी जो भी एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए या फिर जो नए जो 15 सीरीज के यहाँ पे टाइप सी में आपको ये देखने को मिलेगा लाइटनिंग केबल है वो उन्होंने यहाँ पे अपने फोन से वो है निकाल दी है। इसके हम 15 की बात की जाए 128 GB आईफोन 15 128 GB की बात की जाए वो आपको 80,000 रुपये का आपको देखने को मिलने वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं 15 प्रो आपको देखने को मिलने वाला है 128 GB 1,35,000 रुपये का, और 15 प्रो आपको 256 GB आपको मिलने वाला है 1,60,000 रुपये का। आपने आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 TB बाय करना है तो आपको वो 2,00,000 रुपये के करीब आपको वो फ़ोन मिलने वाला है। बाकी आपका इस फ़ोन के बारे में क्या कहना है और कुछ भी आपने किसी भी फ़ोन का कंपैरिजन वगैरह चेक करना है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय गाइस।